हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी के तिवारी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा थर्ड मंथ का थर्ड वीक। इस वीक में मैं आपको एक टोनर बनाना बताऊंगी जो आपके हेयर में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करेगा, जो आपके हेयर को बहुत ही अच्छा बनाएगा। तो टोनर इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेयर के लिए। जैसे हम अपने हेयर में ऑयलिंग करते हैं, वैसे ही आपको अपने हेयर पर टोनर भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट्स जो इसका है वो दो चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने लिया है करी पत्ता, फ्रेश करी पत्ता है। अगर आपके पास सूखे हुए लीव्स हो, ड्राई लीव्स का हो, तो आप वो भी ले सकते हो। तो करी पत्ता के गुण इतने सारे हैं कि अगर मैं आपको इसके गुण बताने बैठूँ तो पूरा दिन रात सब कुछ बीत जाएगा, बट इसके गुण ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यह आपके हेयर को ब्लैक करेगा, शाइनी बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा, घना घना बनाएगा, आपके पतले से बालों को बहुत सारे घना दिखाएगा, आपके हेयर को कंडीशनर कर देगा। ये तो बहुत सारे ऐसे गुण हैं इसके। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, बहुत कुछ है इसमें जो आपकी पूरी बॉडी के लिए, पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे तेज पत्ता। तो जिस टाइप से हमारा करी लीव्स है, उसी टाइप से हमारा तेज पत्ता भी है। ये भी एक पौधा ही है, पौधे के पत्ते ही हैं। जैसे हमारा करी पत्ता का प्लांट होता है, उसके ये पत्ते हैं, वैसे ही ये भी एक पत्ते ही हैं। इसकी भी गुडनेस बहुत सारी है आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर के लिए बहुत ही मैजिक वाला काम करता है ये। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से हम आज अपना टॉनिक बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें दो तीन चीज़ें और एडिशनल यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों चीज़ों में क्या क्या गुडनेस होती है वो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, बहुत सारी इसकी गुडनेस हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है अपना आयरन वाला कटोरा। आप चाहो तो कोई भी थिक बॉटम वाला पैन ले सकते हो या चायदान ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी तली थोड़ी सी मोटी हो। तो मेरा जो चायदान है वो भी काफ़ी मोटी तली का है, और ये जो मेरा बर्तन है इसमें मैं अपने हेयर के लिए ही सारी चीज़ें रेडी करती हूँ। तो इसका बॉटम जो है वो भी काफ़ी मोटा है। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ बना कर रखा था जिसका यूज़ मैं कर चुकी हूँ, धो के रखा है। उसके बाद देखिए इसका हल्का सा कलर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम इसमें अपने डाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी लीव्स जो है वो इसमें डाल दिए हैं। गैस मैंने अपना ऑन कर लिया है, ये देखिए। अब इस पर अपने रख देते हैं अपने कटोरे को, या आप आयरन की कढ़ाई यूज़ कर रहे हो तो वो भी रख लो, जो जिसके पास हो वो ले सकता है, चाहे स्टील हो चाहे आयरन हो, जो चाहो। उसके बाद मैंने भर कर इसमें एक गिलास वाटर डाल दिया है। तो आप चाहो तो इसमें डेढ़ से दो गिलास भी वाटर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने करी पत्ता काफ़ी सारे लिए हैं, और मैंने यहाँ पर तेज पत्ता दो लिए हैं, आप इसको डबल भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इसको 4 से 5 दिन तक लगाना है, और मैं इसे दिन में कम से कम 3 बार लगाने की कोशिश करती हूँ। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो मैं सिर्फ इसे 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि हेयर जो है वो सूख नहीं पाते हैं। तो हमने इसको चढ़ा दिया है और इसको अच्छे से खद्दा लगने देते हैं। ठीक है, अच्छे से खद्दा लग जाता है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पानी है उसमें खद्दे अच्छे से लग चुके हैं, और जितने भी गुडनेस है हमारे करी पत्ता की, तेज पत्ता की, वो हमारे वाटर में आने लगी है, और हमारे वाटर का कलर जो है हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं दो चीज़ें और इसमें ऐड करने वाली हूँ, जो ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास हो तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं तुलसी के पत्ते, ये भी हमारे इस वाटर की गुडनेस को बढ़ा देंगे। ये देखिए, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, आप चाहो एंड में डाल सकते हो। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये है सूखा हुआ फूल हिबिकस का। आपके पास फ्रेश वाला हो तो फ्रेश वाला डाल देना। मैं जब भी मेरे गार्डन में फ्लावर खिलते हैं और जब ये झड़ने को होते हैं शाम को, तो मैं इनको तोड़ कर रख लेती हूँ और अपने जो भी हेयर पैक वगैरह बनाती हूँ उसमें ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो 2-4 मिनट के लिए इसको और हम उबलने देते हैं, हल्का सा पानी हमारा कम हो जाए, क्योंकि हमने 1.5 गिलास रखा था, कम से कम 1 गिलास के करीब ही हो जाए। फिर मैं इसको ठंडा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसके बाद 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे हम इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा वाटर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप उंगली से टच करके इसको देख सकते हो। तो हम इसे छान लेते हैं, मेरा गिलास है, और किसी भी चीज़ में आप छान लीजिए, बिल्कुल खाली है ये देखिए। छानने के बाद आप इसको अपनी स्प्रे बोतल में भर लेना। स्प्रे बोतल से लगाओगे तो बेस्ट होता है, क्योंकि वो अच्छे से सभी जगह आपके हेयर पर अप्लाई हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, हमने इसको छान लिया, हमारा ग्लास जो है वो अच्छे से भर गया है। तो इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि 1-2 चीज़ें हम इसमें और ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कैस्टर ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे।
ये जरूर डालना है, हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, नए हेयर लाने में हेल्प करता है, आपके हेयर को मोटा बनाता है, थिक दिखाता है। तो बहुत सारे गुडनेस है इसमें, ये ज़रूर डालना है, इसके बिना नहीं काम चलेगा। तो मेरे हेयर जो है वो ऑयली है, तो मैं उसकी वजह से हाफ स्पून के करीब डाल रही हूँ। अगर किसी के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो वो इसको 2 चम्मच के करीब भी डाल सकता है, ठीक है, मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसेंशियल ऑयल डालना है। मैं काफ़ी बार वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आप इसेंशियल ऑयल जो है वो ज़रूर ले लीजिए, यूकेलिप्टस ले लीजिए, रोजमेरी ले लीजिए, पेपरमेंट ले लीजिए, टी ट्री ऑयल ले लीजिए, बहुत सारे इसेंशियल ऑयल आते हैं, तो आप उसमें से 2-4 इसेंशियल ऑयल ज़रूर रखिए अपने पास, हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आर्गन ऑयल, ये इसेंशियल ऑयल है, आप देख सकते हो। तो मैं इसके ड्रॉप डालूंगी यहाँ पर, 5 से 6 ड्रॉप काफ़ी होती है, इसके अंदर छेद हुआ रहता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ड्रॉप मैंने डाली है, आराम से ड्रॉप इसमें से निकल जाती है, और इसके बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और इसको स्प्रे बोतल में भर लेते हैं। स्प्रे बोतल आप सबके पास होनी ज़रूरी है, एक हो चाहे आप 4-5 ले सकते हो, तो मेरे पास तो एक ही है। जब मेरा एक हेयर टॉनिक ख़त्म हो जाता है तो मैं दूसरा इसी में भर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो देखिए स्पून को आप अलग कर दीजिए और सेफली, ये देखिए खाली है क्योंकि मैंने इसको वॉश करके रखा है। अभी मैं आराम से इसमें भर लेती हूँ, आपको कलर दिख रहा होगा इसका, ब्लैक कलर हो गया है। आयरन का कोई भी बर्तन आप यूज़ करोगे तो उसका बेनिफिट यही है, आप जो भी चीज़ उसमें बनाओगे तो वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। तो मैं इसका लिड लगा लेती हूँ, और इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो एप्लीकेशन नहीं दिखा रही हूँ, चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। आप जब भी इसे यूज़ करोगे तो आप इसको सेक कर लेना ज़रूर, क्योंकि ऑयल जो हमने डाला है आप सबको पता ही होगा, वाटर वाली कोई भी चीज़ हो तो वो ऑयल में मिक्स नहीं होती है, ऊपर ऊपर तैरती है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप यूज़ करो दिन में 3 से 4 बार, तो आप इसको ऐसे हिला लेना, उसके बाद अपने हेयर पर स्प्रे करना, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने हेयर पर इसको लगा लिया है, और आप सबको पता ही है कि जितने भी हम टोनर बनाते हैं या टोनिक बनाते हैं, जो भी आप बोलना चाहो, तो आप उनको स्कैल्प में ही लगाया करो, रूट में ही लगाया करो, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लेंथ में स्प्रे कर लो तो कोई बात नहीं, बट इसका फोकस या फिर इसका काम या इसका वर्क जो है वो आपको यही करना है, यही आपको स्प्रे करना है, यही आपको मसाज करना है। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बताया है कि आपको कैसे मसाज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको हेयर परफॉर्म करना है। तो आज हमारा पूरा हो चुका है 3rd मंथ का 3rd वीक, ठीक है। तो 3rd मंथ का 3rd वीक पूरा हो चुका है, तो जो भी मेरा भाई बहन मेरे रेमेडीज़ को फॉलो कर रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए मेरे साथ। अगर किसी ने अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो प्रीवियस वीडियो देखिए और मेरे साथ इस सीरीज़ को पूरा कीजिए, 100% रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है। कुछ ना कुछ आपके हेयर पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। देखिए बाकी जैसे हम, मैं टाइम का एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे हमारा बीता हुआ टाइम है ना, जो एक बार चला गया वापस नहीं आता, वैसे ही हमारे हेयर है, ये एक बार चले गए ना, दोबारा वापस आने का नाम नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि ये जाए ना, जाए भी तो काफ़ी टाइम के बाद जाए, जब हम 70-80 साल के 90 साल के हो जाए तब जाए, अभी ना जाए। जैसे अभी हम 30+ हैं या 40+ हैं, तो अभी से हमारे बाल झड़ना स्टार्ट ना हो जाए, उनको हम कंट्रोल कर सके हेयर फॉल को। तो ज़रूर रेमेडीज़ फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।